अस्सलाम वालेकुम, ज़ूम इन के एक न्यू एपिसोड में खुश आमदीद। आज का प्रोग्राम बहुत ही ख़ास है। रॉबर्ट हैंसल न्यूयॉर्क के एक ऐसे स्पेशल पर्सन थे जिन्होंने व्हील चेयर के ऊपर एक लॉन्ग डिस्टेंस तय किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वो कहते थे कि माय डिसेबिलिटी हैज़ ओपन माय आइज टू सी माय ट्रू एबिलिटीज़। आज हमारे पास भी एक बहुत ही ख़ास मेहमान है। अल्लाह जब किसी को बहुत ज़्यादा आजमाइश में डालता है तो फिर उसको उसके बदले में बहुत ही चीज़ों से नवाजता भी है। तो हमारे आज के जो ख़ास मेहमान हैं उन्होंने अपनी आजमाइश को बहुत ही खूबसूरती से निभाया है। तो आज मिलते हैं वकास अहमद से। अस्सलाम वालेकुम वकास। वकास, आपने आपकी जो मैंने चीज़ें जानी, जो मुझे आपके बारे में पता चला, आप इतने ब्रेव हैं, इतनी स्ट्रेंथ है आप में, माशाल्लाह आपने इतने अच्छे तरीके से अपनी सारे मसाइल को हैंडल किया, अपने चैलेंजेस को फेस किया। आप आईटी प्रोफेशनल हैं और आप एक माशाल्लाह दारा भी रन कर रहे हैं, पेस टू लाइफ। तो ये सारे सफ़र में आपने क्या मुश्किलात देखी, मैं चाहती थी कि आप हमसे कुछ शेयर करें। जी, मुश्किलात अपनी ज़िंदगी का हिस्सा है और ख़ास तौर हमारी सोसाइटी में फिर डिसबिलिटी के साथ लोगों के बिहेवियर बड़े डिफरेंट होते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहीं महसूस नहीं किया, मैंने लेखन ये सोचा, ये समझा कि हर एक का दुनिया में अपना काम है। कोई मेरी तनकीद करे, अगर मेरा काम है मैं अपना काम करूँ, वो अपना काम करे, बहुत ही अच्छी बात है। वो लोग अपना काम करेंगे, मैं अपना काम कर रहा, फिर अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली सपोर्ट की, दोस्तों का साथ बड़ा अच्छा था। फिर सबसे बड़ी बात, बीइंग अ मुस्लिम ये मांग है मेरा कि जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह हमेशा अच्छा करता है। शायद नहीं किसी व्यक्ति ने कुछ राख था, जैसे मैं अभी काम कर रहा हूँ वेलफेयर के काम या और काम, शायद मैं ठीक हो और ये काम ना होते। बिल्कुल, तो अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। मैं कभी हर काम में बेहतरी होती है। मैं ख़ास तौर पे ये जानना चाहती हूँ कि डिप्रेशन के इस दौर में जब हर बंदा, दूसरा जो बंदा है वो डिप्रेशन का शिकार हुआ हुआ है, और ख़ास तौर पे न्यू जनरेशन को मैंने देखा कि वो हर दूसरे बंदे को डिप्रेशन हो रहा है और वो खुदकुशी कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आप अपने डिप्रेशन को कैसे सेटल करते हैं? मैं चाहती हूँ कि ये आप इंस्पिरेशन हो लोगों के लिए, तो आप बताएँ कि जब हम ये सोचेंगे ना कि हमें ये खा में रखा, अल्लाह ने रखा और हम बेहतर हैं, असल में हमें डिप्रेशन आपको हम ये नहीं देखते हमारे पास क्या है, हम ये देखते हो उसके पास वो है हमारे पास नहीं है, नहीं हम ना शुक्री करते हैं। मेरे ख्याल जब शुक्र अदा करेंगे तो डिप्रेशन खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। हम इसी मजबूर हैं, ख्वाहिशात हमारी ज़्यादा हो गई हैं और हम उसको जब फुलफिल नहीं करते अपनी ख्वाहिशात को, फिर हम खमकें यानी आपके नज़दीक डिप्रेशन का इलाज है कि हम शुक्र अदा करें, ख्वाहिशात अपनी वो रखेंगे हम पूरी कर सकें। हाँ ठीक है, अल्लाह से मांगे, दिल खोल के मांगे, और उसका मतलब ये नहीं कि जो आपको नहीं मिला वो आपको दुखी हो गया। हाँ अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि हमारी हुकूमत जो है वो कोई पार्टिसिपेट नहीं करती इस सारे मामलात में, कोई जो सपोर्ट नहीं करती? क्योंकि जो स्टीफन हॉकिंग है वो, अगर वो इतनी बड़ा नाम है या उसको एक्सप्लोर किया गया तो वो गवर्नमेंट लेवल पे किया गया, वो उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि मुनीबा मिजारी हो या वकास अहमद हो, दोनों के दोनों अपनी ज़ाती काविशों से या फैमिली सपोर्ट से फ्रंट पर आते हैं, तो इसमें हुकूमत का भी कुछ किरदार होना चाहिए। ये होना चाहिए क्या नहीं भी है हमारे जैसे मुल्क में जो कारोबार करनी है, एक वहाँ और बड़े मुशायरे हैं। ठीक है, यहाँ और बड़े मुशायरे हैं। मेरे ख्याल जब तक इंसान खुद अपनी बेहतरी सोचेगा किसी को ख्याल नहीं आएगा। अगर मुनीबा मिजारी की मिसाल ली है, मैं अपनी बात करूँ, ठीक है मैं वो गेख मुकाम यहाँ पहुँच के हमारी अपनी कावश है, मगर गवर्नमेंट क्या करेगा? मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ, गवर्नमेंट क्या करेगी? मुझे ये कि हमारे पास कुछ टैलेंट हो, स्टीफन हॉकिंग के पास टैलेंट था, अब वो बड़ा खान काम है यूट्यूब सोशल मीडिया आपके पास है, जिसके पास टैलेंट है उसको किसी का वेट करना नहीं चाहिए, वो खुद आ जाएगा। बहुत से लोग आए भी हैं, सही। मैं किसी को बिहेव नहीं करूँगा,
गवर्नमेंट या ये या वहाँ का। बहुत अच्छी बात है कि आप किसी को ब्लेम नहीं करते, आप समझते हैं कि हमें खुद कोशिश करनी चाहिए और जिसके अंदर कुछ होता है, कुछ स्ट्रेंथ होती है, वो खुद ब खुद बाहर आ जाती है। तो आपका जो ये दायरा है पेस टू लाइफ, तो इसमें क्या प्लान्स है आपके, आप क्या करना चाहते हैं? मैं अभी आकर के वहाँ प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, स्पेशल बच्चों का स्कूल में आ गया हूँ, गया में किसी गिर गया में वहाँ स्पेशल बच्चे पकाया और बुरे बात में काम कर रहे हैं अभी के डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। मैं सिर्फ स्पेशल बच्चों की एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं या ओवरऑल? ओवरऑल हमारा एक और प्रोजेक्ट है स्कूल बैस करके, हमारे प्राइमरी लेवल के दूसरे बच्चे हैं, नॉर्मल बच्चे, हम उनको स्कूल बैस स्टेशनरी ये सब कुछ देते हैं। वोकेशनल में अंदरून शहर में डिस्पेंसरी है, एम्बुलेंस सर्विस है, तो इसमें आप डोनेशन, आपको मतलब आपने मुझे बताया कि आप सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पे यानी लोकल लेवल पे ही कर रहे हैं और आपको बाहर से कोई एड नहीं ले रहे हैं। डोनेशन है लोकल है, पाकिस्तानी है, जितनी पाकिस्तानी यहाँ से पाकिस्तान के बाकी पाकिस्तान के बाद जो पाकिस्तानी है उनकी सपोर्ट लेते हैं आप, इसमें कोई फॉरन डोनर है बड़े परेशान हो, कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल ये पॉसिबल है, मैं यहाँ से काम कर रहा हूँ माशाल्लाह, और मेरे पास हजारों के खाते और आपने 50 रुपीज से काम स्टार्ट किया था। अभी जितने लोग हैं 95 को 98% वो एक ही काम कर रहे हैं सब, किसी कोई पे नहीं है। वेरी गुड, और यानी सारे वॉलंटरीली कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। तो आपकी फैमिली का में कौन कौन होता है, यानी आप फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कुछ पार्टिसिपेट करते हैं? करते हैं, अभी मेरी सिस्टर की शादी थी तो वहाँ पूरा पार्टिसिपेट किया मैंने उसने साथ काम, वो भी है, ये मेरा शौक है वैसे के काम, जो बताया काम है मैं टूरिज्म का काम करता हूँ। आप नॉर्दर्न एरियाज भी गए, मुझे ये भी पता चला कि आपने नॉर्दर्न एरियाज में सफर किया और उनको भी बड़ा एक्सप्लोर किया, तो वो कैसा रहा आपका? बड़ा मजा आया, मुझे बड़ा शौक है पहाड़ों में घूमना, पहाड़ों में चलना, मेरा अपने खूबसूरती ग्रुप है उसके यूनिवर्सिटी कॉलेज के नॉर्दर्न एरिया से टूर कराता हूँ, ये मेरा बिजनेस है और बाकी लाइफ है मेरा शौक है। तो अब एक छोटी सी मैं आपसे ख्वाहिश पूछने लगी हूँ कि अगर आपको दोबारा ज़िंदगी मिले तो आप क्या वकास अहमद ही बनना चाहेंगे, या आपका कोई रोल मॉडल है, या आपकी कोई ख्वाहिश है कि आप मैं वो बनूँ? नहीं, मेरे हम जो हमारा काम है हम काम करके जाएंगे, मगर ये दोबारा ज़िंदगी मिलेगी कि मैं ये खा रही हूँ, मेरे ख्याल में खुश हूँ, मैं कहूँगा कि मैं अपनी ज़िंदगी से पूरे पूरे मुझे किसी किस्म कोई शिकवा कोई शिकायत कोई ऐसा मौका। अगला सवाल वैसे यही था, मैं ये जान रही बार बार ये सवाल मुझे पिंच कर रहा था, बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था कि कभी ज़िंदगी में ये सारे जो आपने प्रॉब्लम्स देखे, मसले देखे, या छोटी मोटी हर्डल्स तो हर इंसान को आती हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपके लिए वो चीज़ें ज़्यादा बड़ी थी, तो इन सारी सिचुएशंस के अंदर से गुजरते हुए कभी आपको ये फीलिंग आई, कभी आपने डायरेक्टली अल्लाह से कहा कि वाई मी? नहीं, मैंने आपको ऐसे क्यों नहीं कहा था कि अच्छा हो गया, वो मज़ा आया, जिंदगी जीने का मज़ा आया, वाह जिंदगी जीने का मज़ा आया, यानी चैलेंज समझ के लिया अल्लाह का। शायद मैं ठीक हो, अगर मैं ऐसा इंजॉय ना कर आगे काम आप करता हूँ, मेरे साथ मेरी कोई ऐसी चीज़ छोड़ी नहीं जो मैंने ना की हो, वो फिर मुझे कोई शिकवा ना शिकायत बोल के अच्छा और अच्छी जिंदगी गुजरी है मेरी, बस कौन गुजरी है। माशाल्लाह, आपकी इन बातों से ना मुझे तो अपनी ज़ात बड़ी नाशुक्री सी लग रही है, मुझे लगता है कि हम वो लोग जो हर वक्त शिकायतों में पड़े रहते हैं, मतलब आप इतने मुतमईन हैं, इतने खुश हैं अपनी लाइफ से, तो ये मैंने बहुत कम लोगों में देखा है, उन लोगों में भी नहीं देखा जो कि ज़िंदगी की बहुत सारी हाइट पर जाके किसी मतलब बहुत स्टेटस पर पहुँच के भी वो अपनी लाइफ से मुतमईन नहीं होते, यानी उनको सुकून नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आपको पीस ऑफ माइंड मिल जाए और इसी ज़िंदगी में मिल जाए, तो मैं तो आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन ले रही हूँ और मुझे लगता है कि वाकई आप आजकल की जनरेशन के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन। जो भी हुई है ये अल्लाह का दिया है, ठीक है, जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया वकास आपके टाइम का, आपने हमें वक्त दिया, थैंक यू। व्यूअर्स, मैं एक चीज़ एंड पे ज़रूर कहना चाहूँगी, अपना एक सोच को शेयर करना चाहूँगी कि मुझे वकास से मिलने के बाद एक चीज़ का बार बार एहसास हो रहा है कि हम अपनी बहुत सारी ज़िंदगी का हिस्सा इस चीज़ में ज़ाया कर देते हैं कि अल्लाह ने हमें क्या नहीं दिया,
हालांकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसने हमें क्या क्या दिया। तो मैं ये समझती हूँ कि इस प्रोग्राम के बाद इस सोच को आप लोगों तक पहुँचाऊँ कि किसी वक्त फारिग टाइम में बैठ के एक लम्हे के लिए ज़रूर सोचें कि आपको अल्लाह ने कितनी नेमतों से नवाजा हुआ है। तो अल्लाह तो बार बार कहता है कि तुम मेरी किस किस नेमत को झुठलाओगे। तो अगर ये सोच आप में पैदा हो जाए तो आई डोंट थिंक के डिप्रेशन जो है कल को हमारी न्यू जनरेशन के लिए कोई मुसीबत बने या प्रॉब्लम क्रिएट करे। आज का प्रोग्राम इसी सोच के साथ ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़।